हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चलो देखें इंडिया। आज के जयपुर फूड टूर सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में मैं आपके साथ आया हूं रूप बसंत, जहां पर मिलने वाली एक से बढ़कर एक पनीर की रेसिपीज आपका दिल जरूर जीत लेंगी। चलिए आपके होस्ट सुमित कपूर के साथ करते हैं एक्सप्लोर इस ढाबे को और बात करते हैं ऑनर। आपका शुभ नाम क्या है? योगेंद्र सिंह चौहान सर। योगेंद्र जी, थोड़ा सा बताएंगे ढाबे के बारे में। रिसेंटली सर हमारे को 6 से 7 महीने हो गए इस ब्रांच को ओपन करे हुए। अच्छा, हमारी जो मेन ब्रांच है वो जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है, पवित्र भोजनालय जो है हमारा 1965 से हमारे दादाजी को ओपनिंग करा हुआ ब्रांच है। उसके बाद के अंदर अब स्टेशन में जैसे आपको मालूम पड़ गया कि वहाँ ट्रैफिक का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, पार्किंग समस्या मिलने लगी, तो क्या हमने आउटर के अंदर आकर के हमारी नई ब्रांच अभी जस्ट रिसेंटली 6 महीने पहले और यहाँ पे हमारे लोगों का बहुत सहयोग मिला। क्वालिटी वाइज हम लोग पहले वहाँ से बहुत पुराने जमे हुए थे, तो हमने यहाँ पे और अपनी मेहनत स्टार्ट करी थोड़ी और क्वांटिटी क्वालिटी वाइज थोड़ा। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इनोवेशन भी बहुत की है पनीर में, 4-5 तरह की यूनिक रेसिपीज मैंने खुद अभी देखी है। हाँ, ये क्या है एक्चुअली हमारा सिग्नेचर आइटम है जिसके अंदर आपको पनीर अंगारा, पनीर तुफानी, पनीर उग्रवादी, पनीर बेगम, कुछ आइटम्स ऐसे हैं। अरे वाह, पनीर टकाटक भी देखा हमने अभी। पनीर टकाटक भी है, पनीर उग्रवादी भी है, पनीर जहाँ लोग ये नाम जानते ही नहीं, हम लोग उस प्रकार के प्रिपेयर करते हैं। तो वही है ना, यूनिकनेस और इनोवेशन है जो आपको आगे लेके जा रही है। ये पनीर उग्रवादी तो सुन के भाई मुझे दूसरा हमारे को यहाँ पर लोगों का सहयोग भी पूरा मिला बिल्कुल, और हम लोग हमारी जो मेहनत की और जिस जो सोच करके हम लोग यहाँ पे आए थे उसका हमारे को रिजल्ट मिल रहा है बिल्कुल। वो दिख रहा है किस तरह से हाइजीनिक तरीके से आप बनाते हैं खाना, शुद्ध बनता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी से मेंटेन करते हैं। कस्टमर सर्विस भी आपकी बहुत अच्छी है, हम देख सकते हैं किस तरह से सब लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना ओपन एम्बियंस में। ठीक है, आज हम आप यहाँ पे अपना डिनर करते हैं और अपना भी अपना रिव्यू भी देंगे। जरूर आप बैठिए, मैं आपके लिए लगवाता हूँ। थैंक यू सर। तो इस समय हम खड़े हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबे के बीचों बीच और यहाँ पे हम शेफ से जानेंगे कि यहाँ की एक सिग्नेचर डिश है जिसे पनीर अंगारा कहा जाता है। चलिए जानते हैं शेफ से और बात करते हैं। शेफ, आपका नाम क्या है? सुबोध सिंह। सुबोध सिंह जी, तो आप जो पनीर अंगारा यहाँ पे बनाते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है कि वो बाकी से अलग होता है? हम लोग अपने सीजलर की तरह उसको बनाते हैं। अच्छा, सीजलर की तरह बनाते हैं। तो आज तक तो हमने ग्रेवी की तरह देखा था, लेकिन आप सीजलर की तरह बनाते हैं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, तो आप बताते जाइएगा कि क्या क्या डाल रहे हैं आप। ठीक है सर। ऑयल लिए। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल डाल दिए, खड़ा मिर्ची, ओके, साबुत फूल, यहाँ पे चिलीज डाली जा रही हैं, ओनियन, ये चला गया प्याज लच्छे वाला, और ये ग्रीन शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, चलिए लाल शिमला मिर्च, ये चलेगी लाल शिमला मिर्च, बढ़िया, क्या बात है। इसको हम अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, तो ब्राउन करेंगे, चॉप लहसुन डालेंगे, ये डाल दीजिए आपने लहसुन खूब सारा, साथ में ही ब्राउन हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, अब हम इसका ऑयल निकाल देंगे। अच्छा, तो जो एक्सेस ऑयल है निकाल लिया, देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, जो तेल था उसको निकाल लिया भैया ने। इसमें हम मास्टर ग्रेवी लेंगे। तो ये क्या डाला आपने? मास्टर ग्रेवी है। मास्टर ग्रेवी, अच्छा, तो प्याज टमाटर की आप बना के रखते होगे मास्टर ग्रेवी? ओनियन टमाटो का, ओनियन टमाटो की। हाँ, और आधी चम्मच लेंगे मावे की ग्रेवी। ये खोया है? मावा, मावा, मावा मतलब। अच्छा, खोया मतलब मावा। हाँ, खोया। तो आपने एक बड़ा चम्मच आपने टमाटर की ग्रेवी डाली है। हाँ। एक चम्मच खोया की ग्रेवी डाली है। आधी चम्मच। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें हम लेंगे कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी डाल रहे हैं, ये देखिए भाई, ऑर्डर करके। फिर स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। गरम मसाला। गरम मसाला। किचन किंग मसाला। और चाहे तो नींबू नहीं डाल सकते हैं, या अजीनोमोटो हल्का यूज कर सकते हैं, हम नींबू यूज। अच्छा, आप नींबू डाल रहे हैं, चलिए ठीक है। कुछ लोग नहीं पसंद करते कि वरी। हाँ ठीक है, चलिए हम ले। ये है कसूरी कश्मीरी मिर्च पाउडर, ओके। फिर इसमें हम लेंगे सीजलर सॉस। ये क्या है? सीजलर सॉस। अच्छा जी, चलिए जी, बढ़िया सी सीजलर सॉस जल गई है। देखिए दोस्तों, क्या कमाल की ग्रेवी बन रही है, क्या खुशबू आ रही है, लग रही है ना एकदम माउथ वाटरिंग। ये है शेफ का कमाल, पनीर अंगारा बन रहा है। देखते देखते ग्रेवी का रंग देखिए आप, क्या दोस्तों, हम हल्का सा चमक के लिए हल्का सा कलर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे खाने का कलर डाला जाता है चमक के लिए, तो सिर्फ अच्छा सा कलर आ जाता है सब्जी में, टेक्सचर अच्छा जाता है। ये देखिए खाने का कलर, वाह जी। फिर हम लेंगे इसमें
ये है आधा चम्मच क्रीम, ये जी क्रीम डाल दी, अमूल क्रीम है। हाँ जी चलिए जी अमूल क्रीम डाल दिए इसमें, ये देखिए ये पकौड़ा। अच्छा ये पनीर, आपने पनीर डाल दिया, पकौड़ा पनीर पकौड़ा जी, पनीर का पकौड़ा बना के रखते हैं चाइनीज स्टाइल में, चाइनीज स्टाइल में। तो कौन सा लगा के इसको तलते हो गए? फिर इसमें देसी घी, देसी घी चला गया जी। वाह जी वाह, क्या कलर है, क्या देखिए आप कलर देखिए दोस्तों। अब कोई ऐसा खाना खा के भला कैसे इनकार कर सकता है। पनीर अंगारा सीजर तैयार किया जा रहा है, उसके लिए देखिए प्लेट को गर्म किया जा रहा है इस तरह से तेज फ्लेम पे। ये देखिए भाई एकदम आपको दिखाएंगे एकदम प्लेटिंग तक, जब तक वो अंगारे निकलते नहीं ना आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए भाई यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तेज अंगारों पे, इस सिज़लर प्लेट पर आप अच्छे से गर्म किया जा रहा है जब तक उसका रंग लाल ना हो जाए। देखिए अब धीरे धीरे रंग लाल होना शुरू हो गया है। ये भाई गरम गरम सिज़लर तैयार हो रहा है, इसके ऊपर डाल दिए पत्ता गोभी के पत्ते और ये डाला गया यहाँ पे खूब सारा चीज़। वाह जी वाह, साथ में डाल दिए क्रीम, ओहो धनिया, पूरी तरह बारिश हो गई है यहाँ पे बटर की, मज़ा आ गया जी। और ये गया सिज़लर, ये चला गया उसके ऊपर अमूल बटर, ओहो हो। तो चलिए अब बना रहे हैं यहाँ पे पनीर लबाबदार। ये देखिए भाई एक और पनीर की जबरदस्त आइटम, ओनियन, ये डाल दिए लच्छे वाले प्याज, लच्छे वाले, ये गई शिमला मिर्च, ये गया चौक सारा लहसुन, टमाटर, ये टमाटर की ग्रेवी डाल दी है कुछ टमाटर ग्रेवी। वाह जी वाह, ये है सोए की ग्रेवी, सोए पनीर की ग्रेवी डाल दी है, कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, ये गया गरम मसाला, ये गया किचन मसाला किचन किंग मसाला, और ये चलेगी कश्मीरी मिर्च। वाह जी वाह, ये डाल दिया क्रीम, ये चला गया जी पनीर, ये देखिए पनीर लबाबदार खुशबूदार। ये डाल दिए फ्राइड काजू, तले हुए काजू, ये गया जी देसी घी, वाह सोने पे सुहागा ये तो। ये चला गया धनिया, रेडी हो गया। गजब है अभी दाल तड़का देसी घी। अच्छा अभी क्या बना रहे हैं सर आप? दाल तड़का देसी घी। ये चला गया जीरा जी, ये चलेगी कटी हुई हरी मिर्ची। वाह जी वाह, ये चला गया जी प्याज खूब सारा, कोई भी कंजूसी नहीं की। वाह जी वाह, ये चला गया जी टमाटर, बन रही है हमारी दाल तड़का देसी घी वाली, बहुत ही बढ़िया। गार्लिक और लहसुन का पेस्ट, अच्छा ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, चलिए जी लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, ओह माय गॉड, वाह जी वाह। ये कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया, कसूरी मेथी, ये चला गया धनिया, धनिया श्रद्धा अनुसार, वहाँ से भैया निकाल रहे हैं अपनी दाल तड़का की दाल। ये देखिए ये आ गई दाल, ये कौन सी दाल होती है इसमें? उड़द, उड़द चना मूंग तीनों मिक्स, उड़द चना और मूंग तीनों मिक्स हैं। अच्छा ये भी अलग चीज़ है क्योंकि दाल तड़का अमूमन अरहर की दाल को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तीन दालें डाली गई हैं, बहुत बढ़िया। एक दो अभी रेडी नहीं है तड़का लगेगा, लगा देसी घी। अब इसका पार्ट टू तैयार हो रहा है दोस्तों, दूसरा तड़का लगाया जा रहा है इस पे। ये खड़ा मिर्ची, ये होगी खड़ी साबुत लाल मिर्ची, खड़ी साबुत धनिया, खड़ा साबुत धनिया,
ये फिर से जा रही है हरी मिर्ची। वाह जी वाह, तीखी होने वाली है, बिल्कुल डाल स्पाइसी होने वाली है दोस्तों। ये क्या खूब सारा लहसुन, बहुत ही बढ़िया जी। ये जो ऊपर से तड़का लगाया जा रहा है ना, इससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा, डबल टेस्ट हो जाएगा। डबल तड़का बोलना, देख रहे आपको उसका, डबल तड़का। वाह क्या खुशबू आई है भाई इस तड़के की, लाजवाब। सब्जी रे रखो ना, नान। चलिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टफ्ड नान बनाया जा रहा है। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद मंजू। मोहम्मद जी, अभी आप स्टफ्ड नान बनाने, तो क्या क्या डालेंगे बताइएगा जरूर। मैं डालूंगा पनीर, आलू, मटर। अच्छा, पनीर आलू डालूंगा, इसके अंदर डालूंगा। अच्छा, फिर लगेंगे तंदूर में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। कल तो ये देखिए यहाँ पे तंदूर भी बढ़िया से तप रहा है दोस्तों। अच्छा, ये मसाला, ये गाजर, मटर, पनीर, आलू। अच्छा, तो नमक मिर्ची, बहुत बढ़िया जी। डालूंगा था ना मोटा डंडी का, थोड़ा सा मोटा पहली वाला। बढ़िया स्टफिंग भर दी है, कोई भी कंजूसी नहीं भरी। क्या बढ़िया सा स्टफ यहाँ पे नान बन रहा है। ये देखिए भाई, वाह जी वाह, तो ये देखिए भाई, यहाँ पे उस्ताद निकाल रहे हैं अपना ये स्टफ नान, कितना बढ़िया। ये भाई क्या गजब का नान निकला है। अब क्या किया जाएगा इसके ऊपर, बटर लगाया जाएगा। ये देखिए जी, मक्खन लगा दिया, कोई भी कंजूसी नहीं किया दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया से मक्खन लगा दिया। और ये देखिए इसको तोड़ा जाएगा, ये हो गया स्टफ नान, बढ़िया वाला मक्खन वाला। अब ये जाएगा थाली में, यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। इसमें पनीर जयपुरी है, जिसमें पापड़ की स्टफिंग के साथ पनीर जाता है, यानी फर्स्ट टाइम देखिए, बहुत ही बढ़िया। ये पापड़ है स्टफ किया हुआ है, ये स्टफ किया हुआ पापड़ है, इसमें स्टफिंग पनीर की भरी गई है और ऊपर डाली जा रही ग्रेवी। ये देखिए भाई, ये क्या कमाल की चीज़ है, ये आपने कहीं नहीं देखी होगी। मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। ये तो भाई पहाड़ सा बना दिया पापड़ का, उसके ऊपर मस्त वाली ग्रेवी डाली है और पापड़ के अंदर पनीर की स्टफिंग भरी गई है। ये तो भाई कुछ ज्यादा कार्यक्रम करो। ये भाई थाली रेडी हो चुकी है, मस्त वाली पनीर जयपुरिया। कढ़ाई पनीर है, पनीर टकाटक। चलिए जी, पनीर टकाटक, नाम तो बड़ा यूनिक है, मुंबई स्टाइल का बिल्कुल। ये भाई बन रहा है यहाँ पे पनीर टकाटक, बिल्कुल मुंबई स्टाइल में पनीर की चौथी आइटम दिखा रहे हैं आपको यहाँ की स्पेशल। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी सफाई से खाना बनाया जाता है दोस्तों, कितना क्लीनलीनेस का ध्यान दिया जाता है। देखिए एकदम परफेक्शन के साथ खाना बनाते हैं, बिल्कुल सफाई के साथ। पनीर टकाटक के लिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट डाल रहे हैं इसमें, ये तीनों रंग की शिमला मिर्च रंग बिरंगी। तो इसमें उस्ताद फर्क क्या होता है, इसमें क्या फर्क होता है? ये भी स्पाइसी होती है, ये चाइनीज स्टाइल में होता है। अच्छा, हल्की ग्रेवी की होती है। अच्छा, चाइनीज स्टाइल में होता है, ये भी बढ़िया चीज़ होती है, चाइनीज स्टाइल में है। भाई बिना लहसुन के तो स्वाद ही नहीं आता, लहसुन से चाइनीज में तो लहसुन जरूरी। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ चाइनीज में तो लहसुन जरूर जाता है भाई, उसके बगैर तो बात ही नहीं बनती। मैं भी शेफ हूँ। ये डाल दिया जी खूब सारा पनीर इसमें, पनीर टकाटक में, बहुत ही बढ़िया जी। इतने ये देखिए जी, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल दिया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और यहाँ पे ये चलेगी ग्रेवी ले लिए, मास्टर ग्रेवी।
जो लगभग सारी रेसिपीज में बना के रखते हैं, हर होटल में हर शेफ इसको इस्तेमाल में लाता है। प्याज टमाटर की अनियन ग्रेवी होती है ये। ये देखिए भाई, चाइनीज स्टाइल का पनीर टका टक। तो उसमें भैया सोया सॉस डालोगे? हाँ, हल्का सा पड़ेगा, हल्का सा ना। ये भी स्पाइसी होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये चले गए देसी वाले मसाले हमारे, साफ कचन किंग गरम मसाला, कसूरी मेथी, बहुत बढ़िया जी। ये चलेगी लाल मिर्ची, इसमें भी सीजनर सॉस डालेगा। ये क्या डाल रहे हैं? सीजनर सॉस। सीजनर सॉस, अच्छा। तो ये सीजनर सॉस क्या मतलब, कुछ अलग होता है? गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट होता है। अच्छा, गार्लिक और मिर्ची का, कश्मीरी मिर्च का। ये इसमें तीन तरीके की ग्रेवी डालेंगे। तीन तरीके की ग्रेवी? तो ये टमाटर की ग्रेवी डाल दी आपने, ये खोए की ग्रेवी, खोए और धनिया की ग्रेवी ना, ये हो गया ऑनियन ग्रेवी। ये ऑनियन ग्रेवी, तो ऑनियन ग्रेवी, टमाटर ग्रेवी और खोए की ग्रेवी डाली है इसमें। हाँ। तीन तरह की ग्रेवी डाली है। वाह, बहुत ही बढ़िया जी, अलग ही लेवल की डिश है ये। बिल्कुल घिसा हुआ पनीर, ये चला गया घिसा हुआ पनीर। वाह जी वाह। ये चला गया खूब सारा धनिया। वाह जी वाह। और ये चलेगी क्रीम। अप कर रहे हैं यहाँ पे देसी घी के साथ। वाह, बहुत ही बढ़िया, टू गुड। ये हो गया रेडी पनीर टका टक। ये जा रहा है पैक के लिए। तो दोस्तों, अगर जो लोग अंदर सिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंदर भी अरेंजमेंट है, आउटडोर में भी अरेंजमेंट है, कहीं पे भी जाके आप प्रेफर कर सकते हैं। ये आपकी अपनी कन्वीनियंस पे है। आपको मैं अंदर का दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं अंदर भी काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, क्लीन इन्वायरमेंट है। अंदर आके भी आप फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। दोनों तरफ यहाँ पर आपको स्पेस मिलती है। तो ये देखिए लाइव किचन यहाँ की। ये आ गया अभी हमारे लच्छे पराठे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे गार्लिक नान मंगवाया है और साथ में ये सैलेड लिया है टमाटर और गाजर का, और साथ में हमारा स्पेशल सिग्नेचर डिश पनीर अंगारा, और ये वाइट ग्रेवी वाला ये मलाई कोफ्ता, और ये डबल तड़का देसी वाली दाल। तो देखिए उस्ताद में सर्व करके दिखा रहे हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ की सिग्नेचर डिश वाइट ग्रेवी वाला मलाई कोफ्ता है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये ग्रेवी किसकी रहती है? दही की, काजू किशमिश, काजू किशमिश की ग्रेवी। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये है पनीर अंगारा, देखिए क्या बढ़िया सी खुशबू आ रही है। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा डिनर हमारे पास आ चुका है, सर्व कर दिया गया है। तो चलिए चखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा है खाना, पर आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। सबसे पहले मैं पनीर अंगारा खाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, पनीर मेरा फेवरेट है। और ये पनीर अंगारा यहाँ की बहुत पॉपुलर डिश है, काफ़ी दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है। मैं आपको बताता हूँ खाकर, अभी आप देखिएगा दोस्तों कैसा इसका टेस्ट है। बहुत ही सॉफ्ट पनीर है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का। और मैं पहली बाइट खाता हूँ। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसमें जो लहसुन डाला गया है और मसालों का जो कॉम्बिनेशन है, उससे इस पनीर अंगारा का फ्लेवर बहुत ही उभर कर आ रहा है। और जब ये बन रहा था उस समय मैंने देखा था कि कैसे इसको सीजनर पे बनाया गया था, उसकी वजह से इसमें एक स्मोकी इफेक्ट आ रहा है,
वो जो तंदूर का स्मोकी इफेक्ट होता है ना, उसकी वजह से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे ये फर्स्ट टाइम मैंने खाया है पनीर अंगारा मेरी लाइफ में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पनीर की बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करता रहता हूँ, ये भी एक मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे खा रहा हूँ ये डबल दाल तड़का, जो कि यहाँ की एक बहुत स्पेशलाइज्ड आइटम है, सिग्नेचर आइटम है। हमारे सामने हमने देखा था कैसे शेफ ने इसको डबल तड़का लगाया था, और ख़ास बात यह है कि इसमें एक तरह की दाल नहीं, तीन तरह की दालों का इस्तेमाल किया गया है। दाल तड़का में ये एक नया तरह का इन्वेंशन है। नॉर्मली दाल तड़का में अरहर की दाल होती है या फिर मूंग धुली दाल होती है, लेकिन यहाँ पे तीन तरह की दालों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन गई है और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका, सो टेस्टी। अब बारी है सफ़ेद मलाई कोफ्ते की, ये भी एक यहाँ की सिग्नेचर डिश है, जिसको काजू और सौगी की ग्रेवी में बनाया जाता है, किशमिश की ग्रेवी में। ये देखिए, दोस्तों जैसे ये वाला पनीर अंगारा एक स्पाइसी साइड में है, हायर साइड में इसमें स्पाइसेस हैं, और ये थोड़ा सा सटल है, थोड़ा सा मीठा है, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कम स्पाइसी खाना खाते हैं। तो मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगे, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिलिंग की गई है इसके अंदर, कोफ्ते के अंदर बहुत बढ़िया काजू की ग्रेवी में बनाया गया, ये वाइट ग्रेवी बेस मुझे बहुत पसंद आया, ये कम स्पाइसी है, ये थोड़ा स्पाइसी है, और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दाल तड़का है, और ये बहुत अच्छा है यहाँ पे लहसुन का हमारे साथ में नान है। तो चलिए अब हम पूरा खाना फिनिश करते हैं और आपसे बाद में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस समय हम यहाँ पे डिनर करने के लिए आए थे तब यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, लगभग 7 बजे का समय था, लेकिन अब जब हमने पूरा रिव्यू कर लिया है, फूड खा लिया है, डिनर को खूब इंजॉय किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ की चहल पहल, आपको दिखा देते हैं एक बार कितना यहाँ पे क्राउड है, और पूरी तरह से ओपन एक इस इन्वायरमेंट को लोग इंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लीन और हाइजीनिक यहाँ का इन्वायरमेंट है, इंडोर भी है और आउटडोर भी है, दोनों जगह से आप जाके फूड को इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी ओर से यहाँ का फूड बिल्कुल पास हुआ है, अगर आपको यहाँ का फूड अच्छा लगा तो आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।